देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मातृभाषी समाज के प्रतीक चिन्ह के सुंदरीकरण को लेकर मातृभाषी समाज फिरोजाबाद के सुभाष चौराहे पर धरने पर बैठा। मातृभाषी समाज के लोगों ने नगर निगम को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द कार्य नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। वहीं धरना देने से एक दिन पूर्व महापौर के साथ रहने वाले एक व्यक्ति ने एक व्यापारी को धमकी दी कि वह धरने पर बैठे तो उनकी दुकान पर जाँच के आदेश करवा दिए जाएंगे। इस बात का व्यापारियों में रोष बना हुआ है। कैसे कोई व्यापारियों को धमकी दे सकता है? क्राइम स्टोरी के लिए फिरोजाबाद से जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। मातृभाषी समाज के प्रतीक चिन्ह और वैद समाज की पूरी आस्था के प्रतीक जो जैन मंदिर सुभाष चौराहे पर जो प्रतीक चिन्ह बना हुआ है उस पर उसकी पूरी तरीके से नगर निगम प्रशासन द्वारा दुर्दशा की गई कर दी गई है और इसके आसपास गंदगी का ढेर और इसके चबूतरों को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। तो मैं नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों एवं महापौर को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वैद समाज के आस्था के प्रतीक चिन्ह के साथ खिलवाड़ किया गया तो पूरा वैद समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन को बाध्य होगा। आज हमारी छोटी सी वैद समाज की एक चेतावनी थी और इस चेतावनी को नगर निगम प्रशासन ने स्वीकार कर लिया और यहाँ पर काम भी लगवा दिया। और मैं कहना चाहता हूँ ये धरना इसलिए और दिया गया कि वैद समाज के एक प्रमुख युवा व्यापारी पंकज गुप्ता जी को महापौर के साथ रहने वाले एक व्यक्ति ने धमकी दी कि अगर तुमने यह धरना प्रदर्शन किया तो तुम्हारी दुकान के सैंपल वगैरह भरवा दिए जाएंगे। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं, अगर वैद समाज के किसी भी व्यक्ति का महापौर और या नगर निगम के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उत्पीड़न या सैंपलिंग का भरने का कार्य किया गया तो हम सभी वैद्य के समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे और उनके घर के सामने खुद ईंट सीट बजा देंगे और उनके घर के सामने भूख हड़ताल चालू कर देंगे। वैद्य समाज एक ऐसा सभ्य समाज है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है और इसी का उत्पीड़न और इसी को धमकी। आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।